દેશના કેરળમાં આવેલા વિનાશક પૂરમાં જાનમાલનું નુકસાન વેઠનાર પીડિતો માટે દમણ પ્રશાસન દ્વારા એકત્ર કરાયેલ ઘર વપરાશની પ્લાસ્ટિકની ચીજવસ્તુ ભરેલ ટ્રકને કેરળ માટે રવાના કરવામાં આવી હતી. દમણ દીવ પ્રશાસન દ્વારા દમણમાં પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગિક એકમના સંચાલકોને કેરળના પૂર પીડિતો માટે તેમના ઉત્પાદનની ઘર વપરાશની ચીજવસ્તુઓ દાન પેટે આપવાની અપીલ કરી હતી, જેમાં તમામ પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગિક એકમો દ્વારા મોટી સંખ્યામાં પ્રશાસકને કેરળની સહાય માટે ઘર વપરાશની પ્લાસ્ટિકની ચીજવસ્તુઓ આપવામાં આવી હતી, જે 25 ટનના વજન ધરાવતી ચીજવસ્તુઓને કેરળ ખાતે રવાના કરવામાં આવી હતી. प्रशासन है, उन्होंने जो दमन में स्थित इंडस्ट्रीज़ है, स्पेशली जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, हम सबको पता है कि बहुत सारी कंपनीज़ है यहाँ पे जो प्लास्टिक की जो हाउसहोल्ड आइटम्स वगैरह होती है वो बनाते हैं. तो उनका हमने कांटेक्ट किया और हमारे लेबर डिपार्टमेंट एज वेल एज CIFB डिपार्टमेंट ने सबसे उनसे विनती की कि आप थोड़ा थोड़ा जो सामान है वो केरला रिलीफ के लिए भेजिए. तो इसमें प्लास्टिक की प्लेट्स हो गई, पाटला हो गया, जो कंटेनर्स होते हैं, बाकी टिन्स होते हैं और बाकी भी कुछ कुछ क्लोथिंग आइटम वगैरह भी है. तो उस तरीके से मेनली हाउसहोल्ड प्लास्टिक कंटेनर एंड प्लास्टिक रिलेटेड जो आइटम्स होती है वो होती है एंड बाकी कुछ क्लोथिंग आइटम भी भेजी गई है. ये रिक्वायरमेंट हमें बताई गई थी केरला से ही. केरला से के डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो उनका यूनिट है उनके साथ हम लोग कंटिन्यूस संपर्क में है और उसी तरीके से हमने इंडस्ट्रीज को ब्रीफ किया था कि ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अभी ये जो ट्रक गया है वो 25 टन से भी ज़्यादा कैपेसिटी का है जो पूरा भर चुका था. तो ये हमारे जो यहाँ के यूनिट्स हैं, जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और क्लोथिंग यूनिट्स हैं, उनका मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में अपनी कंपनी से बिना सोचे समझे उन्होंने केरला रिलीफ के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है. इसी के साथ साथ हमारे लेबर डिपार्टमेंट एंड हमारे CIFB डिपार्टमेंट के पूरे स्टाफ को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कम समय में उन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया और आज इसी की वजह से 25 टन जितना जो सामान 25 टन के ट्रक में जो सामान जा रहा है वो करीबन 20 लाख की वैल्यू का है और इसमें 15 मेनली यूनिट्स हैं उन्होंने आज कंट्रीब्यूट किया हुआ है अपने सामान के तरीके से. इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि और भी हमें रिक्वायरमेंट्स पता चल रही है कि जैसे कि उनको मेट्रेसेस वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बेडशीट्स वगैरह, स्पेशली जो इंटीरियर इलाके हैं जैसे कि थिरुसुर वगैरह. सो मेरी ये सबसे ही अपील रहेगी कि कोई भी अपनी तरीके से अगर गद्दे या बेडशीट्स या पिलो वगैरह कोई भी क्लोथिंग आइटम जो नए हों वो अगर कहीं से भी कलेक्ट कर पाए तो उनको भी हम लोग भिजवाने की व्यवस्था कर सकते हैं. दूसरी इंडस्ट्रीज़ ने भी अपनी इच्छा जताई है और मुझे ये उम्मीद है कि वापस से एक दो दिन और में हम लोग दूसरा भी एक कोई ट्रक यहाँ से रिलीफ मटेरियल के तरीके से भेज पाए. दमन में डिज़ास्टर जो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो लोग वहाँ पे भी आ सकते हैं या कलेक्ट्रेट में भी आ सकते हैं और अगर कैश के तरीके से अगर वो लोग कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर्स रिलीफ फ़ंड बनाया गया है. ये जो एडमिनिस्ट्रेटर रिलीफ फ़ंड में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा उसको भी केरला के फ्लड रिलीफ में भेजा जाएगा. तो ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब की तरफ से भी ये अपील की गई थी थोड़े दिन पहले लोगों को और मैं वापस से यही चीज़ दोहराना चाह रही हूँ कि आप जिस तरीके से भी कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं उसको आप हमारे ज़रिए भी भेज सकते हैं या फिर जो केरला समाज है यहाँ पे छोटा सा है पर उनको भी आइडिया है कि वहाँ पे रिलीफ कार्य किस तरीके से चल रहा है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है तो उनसे भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं.